नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो घटना एक साइकिल की वजह से एक लड़के के साथ घटी। बिना देरी किए अभी से लगभग 6 साल पहले सन 2018 के टाइम पे चलते हैं और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। 2018 के टाइम पे हिमेश नाम का लड़का, जो कि सिलचर में रहा करता था, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था। बहुत सिंपल रूटीन था, सुबह सुबह उठ जाता था, बढ़िया से 6-6:30 बजे उठ के स्कूल के लिए तैयार होता था, 9 बजे के आसपास स्कूल के लिए निकल जाया करता था और रात के 8:30 बजे के करीब अपने घर पहुंचता था। कारण ये था कि पहले स्कूल जाता था, फिर उसकी 2 कोचिंग क्लासेस थी, वो कंप्लीट करके फाइनली घर पर पहुंचता था। खेलना कूदना ज़्यादा इसको पंचायत नहीं थी, खुद की लाइफ से और पढ़ाई से ही इसको सिर्फ मतलब था। ऐसे ही भाई उसका ये जो रूटीन था, इसको समय के साथ बहुत टफ लगने लगा। क्यों टफ लगने लगा? क्योंकि ना हिमेश पैदल ही स्कूल जाता था और फिर स्कूल से कोचिंग और फिर कोचिंग से घर। ये दूरी उसकी कम नहीं थी, घर से स्कूल लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था और स्कूल से कोचिंग 3 किलोमीटर की दूरी, मतलब जाना इसका 5 किलोमीटर, आना इसका 5 किलोमीटर। ये वाला झंझट वाला काम था। बहुत टाइम से तो ये करता रहा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब ये कोई 10th में पहुंच गया, तो इसको ऐसा लगा कि यार ठीक नहीं है ना ऐसा मामला, मेरे सारे दोस्त लोग कैसे साइकिल वाइकल से आते हैं, कुछ स्कूटी से भी आ रहे हैं, मुझे ठीक नहीं लगता है, मैं अपने पापा से बात करता हूँ इस बारे में। ये अपने पापा से बात किया, पापा मुझे बहुत थकान हो जाती है, फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लग पाता है, मेरे लिए एक साइकिल खरीद दो ना। पापा ने बोले अभी नहीं, कुछ टाइम बाद खरीदेंगे, अभी इतने टाइम से तो आ रहा जा रहा है ना, छोटा था तब भी आ रहा जा रहा था, अब तो तू बड़ा हो गया, अब क्या टेंशन है, 10th में पहुंच गया है और ये लड़का भी जाता है, ये भी जाता है, वो भी जाता है, ऐसा करके पापा के ना नहीं लगे। तो ये भी थोड़ा शांत हो गया, बोला ठीक है जाता हूँ। 1 हफ्ते बाद अचानक से पापा देखते हैं इसको, बोलते हैं कि चल मैं तेरे लिए साइकिल खरीद देता हूँ। इसने सोचा कि बड़ी अच्छी बात हो गई यार, इसको लगा कि पापा जी कोई दुकान में लेकर जाएंगे, लेकिन पापा दुकान में नहीं, किसी के घर पर लेकर गए। ये सेकेंड हैंड साइकिल दिलाने के लिए, ये जो कोई भी थे इन लोगों को हिमेश के पापा नहीं जानते थे, सिर्फ किसी से पता चला था कि इनको अपनी साइकिल बेचना है, इसलिए हिमेश और हिमेश के पापा यहाँ पर पहुँच गए। साइकिल वाइकल देखे, थोड़ी सी टेस्ट राइड ले ली अपने हिमेश ने, पापा ने भी साइकिल को ठोक बजा के देख ली, बोले ठीक है हम लेने के लिए तैयार है, पैसों की बात हुई, फाइनल हो गए, इन लोगों ने खरीद के घर पर ले आया। पापा खुश कि बच्चे को साइकिल दिला दी है, फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड क्या फर्क पड़ता है, बच्चा जो थक रहा था, मुझे ऐसा कंप्लेंट किया था, अब उसको परेशानी नहीं होगी। और हिमेश भी कहीं ना कहीं खुश था ही, क्या करता वो सेकंड हैंड साइकिल या फर्स्ट हैंड साइकिल से, ये बस उसको साइकिल चाहिए थी अपनी सहूलियत के लिए, दिखावे से उसको कोई मतलब नहीं था। रात की बात आ गई, उसी रात को जिस रात को साइकिल खरीद कर लाए हैं इन लोगों ने घर पे, उसी रात को साइकिल इन लोगों के एक गैरेज में रखी हुई है। गैरेज किसको बोलते हैं, जहाँ पर रिपेयर होता है, वो नहीं, वो तो होता ही है, लेकिन घर में भी साइकिल गाड़ी रखने की जो जगह होती है उसको भी गैरेज कहते हैं। तो साइकिल गैरेज में रखी हुई है, हिमेश हॉल में ही सोता था घर के, और हॉल से गैरेज एकदम आजू बाजू एकदम चिपका हुआ था हॉल की दीवार से, वहीं पर साइकिल भी खड़ी है, सो रहा है। रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास घंटी बजती है साइकिल की, ट्रिंग 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 ट्रिंग। हिमेश की आँख खुल जाती है क्योंकि ये हॉल की दीवार गैरेज से लगी हुई थी, जैसा मैंने बताया वहीं पे साइकिल खड़ी थी। नींद खुल गई, इसने देखा कि मम्मी पापा तो अंदर तरफ ही सो रहे हैं बेडरूम में, तो साइकिल के पास कौन चले गया और घंटी ऐसा कौन मार रहा है। हिमेश को थोड़ा अजीब लगा, वो उठा, दरवाज़ा खोला और गैरेज तरफ देखा तो साइकिल गैरेज में नहीं थी। ये शॉक्ड हो गया, फिर से एक बार घंटी की आवाज़ सुनाई थी, ये पलट कर देखा तो साइकिल इसके पीछे खड़ी हुई है। और डरा देने वाली बात ये थी कि साइकिल अपनी स्टैंड में नहीं लगी हुई है, बल्कि नॉर्मली खड़ी हुई है, कुछ इस प्रकार से खड़ी हुई है कि साइकिल में कोई बैठा हुआ है, उसका बैलेंस संभाला हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। बिना किसी को साइकिल पकड़े, मतलब साइकिल खड़ी कैसे रह सकती है, प्रॉपर खड़ी थी। और हिमेश देख रहा है वो घंटी बज रही, ट्रिंग 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 ट्रिंग। हिमेश को लगा ये सीन क्या है, वो एक कदम बढ़ाए है साइकिल की तरफ कि साइकिल झुप से पीछे होके एक खंभे से टकरा के भाड़ से गिर गई, और जैसे भाड़ से टकरा के गिरी है हिमेश बहुत जोर से डर गया और तुरंत भाग के अंदर कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरी आंखों के सामने मेरी साइकिल सीधी खड़ी हुई है, कोई पकड़ा नहीं है साइकिल, कुछ नहीं, अपने आप घंटी बज रही है, और जैसे ही मैं साइकिल की तरफ बढ़ा साइकिल पीछे अपने आप हटी और खंबे से टकरा गई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो भाग गया कमरे के अंदर, दरवाजा दरवाजा बंद कर लिया और कंबल ओढ़ के सोने की कोशिश करने लगा, और नींद भी आ गई। लेकिन अचानक से क्लिक हुआ कि नहीं 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 नहीं
कुछ हुआ है, बाहर हुआ है। जब वापस से आँख खुली तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। एक आध घंटे बाद इसके उठने का टाइम होता ही था, लेकिन आज 5:30 बजे नींद खुल गई। बोला, सुबह का वक्त हो गया, मम्मी पापा अभी भी सो रहे हैं। मैं देखता हूँ साइकिल अभी भी खंभे से टकराई हुई पड़ी है कि कहाँ है। वो बाहर निकला और सीधे सबसे पहले खंभे के पास गया। साइकिल खंभे के पास नहीं थी। फिर अपने गैरेज की तरफ देखा, गैरेज में साइकिल खड़ी हुई है। इतने में पापा पीछे से आए कंधे में टैप। अरे हिमेश, क्या हो गया, इतनी जल्दी कैसे उठ गया और बाहर क्यों खड़ा हुआ है, साइकिल को क्यों देख रहा है? इसने बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं पापा, ऐसी बाहर आया था हवा खाने के लिए, नींद जल्दी खुल गई थी तो। हाँ हाँ जल्दी खुल गई थी तो जल्दी तैयार हो जा, आज पहली बार साइकिल से जाना है कि नहीं, एक्साइटेड है कि नहीं? ये बोला, हाँ हाँ मैं तैयार हो रहा हूँ स्कूल जाने के लिए। कुछ नहीं बताया पापा को, स्कूल जाने के लिए तैयार व्यार हो गया। मस्त से सुबह 9 बजे के आसपास अपनी साइकिल निकाला है, स्कूल जाने के लिए बैग वैग लटका के निकल पड़ा है। अब घर से स्कूल की दूरी जैसा मैंने बताया 2 किलोमीटर की थी, और बीच में रास्ता 0.5 किलोमीटर तक पूरा सुनसान पड़ता, खाली जंगल सपाट। वहाँ से साइकिल चलाते हुए जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अचानक से कोई ढंग से साइकिल से टकराया है और ये बहुत बुरी तरह से साइकिल के साथ गिरा है। पूरा 2-4 ऐसे राउंड मार के, ऐसे जमीन में ऐसे राउंड मार के गिरा है, बहुत गंदा वाला गिरा है, बहुत जोर से किसी ने मारा। घुटना छिल गया, हाथ से खून बहने लगा, सिर में चोट आ गई, यहाँ पे घिस गया, बहुत खतरनाक गिरा था। इसको थोड़ा अजीब लगा, अपने आप को संभालते उठ के देखा तो क्या पाया, शिट, आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, ना कोई दूसरी साइकिल, ना गाड़ी और ना ही कोई जानवर जिसने इसको ठोस मारा हो, कोई भी नहीं था। दूर दूर तक पूरा सुनसान खाली इलाका, तो इसको इतनी जोर से किसी ने ठोस मारा कैसे जो इतना गंदी तरीके से गिर गया? इसको क्लियर मालूम है किसी ने साइकिल को पीछे से मारा, लेकिन कौन मारा कुछ समझ में नहीं आ रहा। दर्द बहुत होने लगा था, समझने का ज़्यादा टाइम भी नहीं था। साइकिल उठाया और घर की तरफ ही मुड़ गया, क्या स्कूल जाऊंगा ऐसी हालत में, कपड़े भी फट गए, यूनिफॉर्म भी फट गई थोड़ी सी। घर गया और मम्मी को बताया, मम्मी ऐसे ऐसा मैटर हो गया, पापा तो अपने काम पर निकल गए थे। मम्मी ने बोली कि यार तेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तू बहुत टाइम बाद साइकिल चलाया है, उल्टे सीधे तरीके से चलाया होगा, फिसल फुसल गया होगा और मुझे आके तू ऐसे ऐसा बता रहा है। बोलता है, नहीं मम्मी 7 साल का था तब से साइकिल चलाना आता है, कुछ भी मत बोलो, मैं इस चीज़ में बहुत क्लियर हूँ, मुझे किसी ने पीछे से मारा है। मम्मी बोलती है, अच्छा अच्छा ठीक है, चल चल तेरी पट्टी वट्टी करवा देती हूँ। मम्मी ने क्लियरली मानने से इनकार कर दी कि किसी ने इसको ठोस मारा है और वो दिखाई नहीं दिया। ये बात ही ऐसा कर रहा था ना जो एक बार में कोई भी ट्रस्ट ना कर पाए, लेकिन इसके साथ वो सचमुच में हुआ था, हवा में बात नहीं कर रहा था ये। खैर डॉक्टर डॉक्टर के पास गया और ये वाला स्कूल वाला दिन कट गया। पापा से ही बात हुई, पापा ने भी नहीं माने। शाम को फिर अगला दिन निकला, स्कूल अपना अटेंड किया, साइकिल से ही गया, स्कूल अटेंड किया है। वही रात के वक्त अपनी कोचिंग करके लौट रहा था बढ़िया से। लौटते लौटते इसकी साइकिल ना बड़ी भयंकर तरीके से टाइट चलने लगी, बहुत बुरी तरीके से। बोला कि ये क्या हो गया मेरी साइकिल को, इतनी टाइट कैसे चल रही है, पूरा खड़े होके पैडल मार रहा है, चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है, और ये कांड सुनसान रास्ते में ही हो रहा है। जब तक भरा पूरा इलाका है, दुकानें हैं, आसपास घर है, ये सब कुछ नहीं हो रहा था। ये जब सुनसान इलाके में चलाता था साइकिल तभी ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा था। खैर अभी तो दूसरी बार ही चला रहा था, साइकिल बहुत टाइट चलने लगी। खड़े होकर चलाते चलाते इसकी नज़र ऐसे नीचे पड़ी और दिखाई दिए इसको किसी के लटकते हुए जले हुए पैर, जैसे कि साइकिल के पीछे कैरियर में कोई बैठा हुआ है, उसके पैर लटक रहे हैं पूरे जले हुए, लंबे लंबे काले काले सड़े हुए नाखून। ये बहुत जोर से डर गया और फिर से बैलेंस बिगड़ा और फिर गिर गया। अब इस बार सिर में लगी और यहाँ से खून बहने लगा। फिर अपने आप को संभालते देखा, इस वक्त तो रात थी, कोई भी नहीं था साइकिल में। उठा और साइकिल को लेके भागा है, अपनी साइकिल को छोड़ के थोड़ी भागेगा, साइकिल को लेके भागा है। और घर पे जाके फिर से मम्मी पापा को ये बात बताया। मम्मी पापा बोलते, तू क्या मनगढ़ंत कहानी लेके आ रहा है, तुझे क्या पसंद नहीं आ रहा है क्या, तुझे सेकंड हैंड साइकिल दिलाएं, अब नई मतलब ये साइकिल होता है क्या, सेकंड हैंड साइकिल साइकिल नहीं होती क्या, ऐसे ऐसे करके इसको डांट पड़ गई और इसको चुपचाप करके सुला दिए। इसका मानने को तैयार ही नहीं थे घर वाले। खैर ये वाली रात ऐसे ही कट गई। फिर अगला दिन निकला स्कूल जाने के लिए, फिर ये स्कूल जाने को हुआ, फिर इसको साइकिल बहुत टाइट चलने लगी वो सुनसान जगह में, फिर किसी ने ऐसा धक्का मारा चलाती साइकिल में, इस बार इसकी बॉडी को, साइकिल में इस बार किसी ने बॉडी को धक्का मारा और ये गिरा साइकिल के साथ, फिर कोई दिखाई नहीं दिया। इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, बोला बहुत ओवर हो रहा है। और उसी दिन जब ये रिटर्न आ रहा था अपनी कोचिंग से,
ये तीसरे दिन की बात हो गई, रिटर्न आ रहा था, निकल रहा था मतलब अपनी कोचिंग से साइकिल तक जा रहा था, तो क्या पाया, साइकिल के दोनों टायर पंचर है और चेन भी टूटी हुई है, साइकिल की चेन टूटी हुई है। उसका दिमाग ख़राब हो गया यार, बोला कि जाता हूँ कोई साइकिल की दुकान में, इसको रिपेयर करा के घर जाना पड़ेगा, बहुत रात हो गई। साइकिल को ढोके लेके गया 1 किलोमीटर दूर साइकिल वाली दुकान में, वो दुकान बंद थी। इसको बहुत गुस्सा आया कि अब 5 किलोमीटर में घर जाना पड़ेगा इसको ढोते हुए, गया है पसीना पसीना, हालत ख़राब। मम्मी ने बोली क्या हो गया, इतना क्यों टेंशन में दिख रहा है। बोला मम्मी बस बहुत हो गया, मुझे नहीं चाहिए ये साइकिल, आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन ये साइकिल भेज दो, मेरी नज़रों से अलग कर दो, ये मुसीबत की जड़ हो गई है मम्मी, मुझे नहीं चाहिए बस, ऐसा ऐसा बात हो रही है। पापा ने बोले ऐसा कैसे हो सकता है यार, तू फालतू बातें मत कर, एक काम कर तू साइकिल चलाना सीख पहले, तू कल से अपनी स्कूल कोचिंग साइकिल से नहीं जाएगा, स्कूल से जब भी तुझे टाइम मिलता है सुबह जल्दी उठ और साइकिल चलाना सीख मोहल्ले में, और फिर तू अपनी साइकिल से जाएगा, ऐसा करके पापा ने डांट दिए। फिर ये सो गया टेंशन में। अब रात के 2 बजे के आसपास फिर से साइकिल की घंटी बजी, ये पहली रात वाली चीज़ रिपीट हुई। इसकी नींद खुली, देखा मम्मी पापा सो रहे हैं। जब एक बार घंटी बजने पर इसकी नींद खुल गई तो किसी लड़के की भी आवाज़ आई, हिमेश हिमेश बाहर आ। इसने घड़ी की तरफ टाइम देखा, 2 के आसपास का समय हो रहा था। हिमेश जल्दी बाहर आना, तेरा वेट कर रहा हूं। ये लड़के की आवाज़ कोई जानी पहचानी नहीं लग रही थी, हिमेश इस आवाज़ वाले किसी भी इंसान को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी इसकी साइकिल की घंटी बजाते हुए कोई इसको बुला रहा था, तो इसने सोचा जाकर देखता हूँ बाहर। ये बाहर तरफ निकला है, क्या देखता है कि उसी खंभे के पास जिस खंभे से टकरा कर साइकिल पहली रात गिरी थी मतलब, वहाँ पर साइकिल खड़ी है, साइकिल में कोई बैठा हुआ है, ये लड़का है, यही कोई 8th-9th में पढ़ने वाली उम्र रही होगी, वो साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है और घंटी बजा बजा के इसको अपने पास बुला रहा है। ये थोड़ा सा आगे गया, क्या हो गया भाई, कौन है तू? ये बोलता है क्यों हिमेश, तूने मुझे पहचाना नहीं? हिमेश बोलता है नहीं मैं नहीं पहचाना तुझे। बोलता है अरे भाई कैसी बात कर रहा है, मैं तो रोज़ तेरी साइकिल के पीछे बैठकर आता हूँ ना तेरे साथ, जाता भी तेरे स्कूल हूँ, फिर कोचिंग में भी तेरे साथ बैठता हूँ, फिर लौट के भी तेरे घर तक आता हूँ, पहली रात को भी जब तू ये साइकिल लेकर आया था मैं घंटी बजाकर तुझे बुलाया था, लेकिन शायद तू मुझे देख नहीं पाया था। हिमेश बोलता है देख तू मजाक मत कर, मैंने किसी को नहीं देखा, मैं तुझे पहली बार देख रहा हूँ। हिमेश क्या बात कर रहा है तू, जब साइकिल से तू गिरा था वो सुनसान वाले रास्ते में कोचिंग से लौटते हुए, तुझे मेरे ही तो पैर दिखाई दिए थे, देख ऐसा पैर आगे करके दिखाता है, यही पैर दिखाई दिए थे ना। जैसे ही हिमेश ने उसके पैर की तरफ देखा, हिमेश की हवा टाइट हो गई, चीख पड़ा हिमेश, चीख के वो कुछ रिएक्ट करता कि वो लड़के ने फट से इसके ऊपर साइकिल चढ़ा दिया और हिमेश गिर गया, चीख के गिरा। मम्मी पापा को अंदर आवाज गई, मम्मी पापा भागते हुए आए, देखा कि हिमेश बेहोश पड़ा हुआ है, उसके ऊपर साइकिल पड़ी, दूसरा कोई लड़का था ही नहीं, कैसे होता, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं था। मम्मी पापा इसको लेकर गए हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब के सामने हिमेश ने कुछ नहीं बोला और मम्मी पापा को बोला देखो साइकिल में कुछ प्रॉब्लम है पापा, कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे भूत दिखाई दिया आज। पापा ने बोले अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा सीरियसली बात को, एक काम करते हैं सुबह हो जाने दे, जिसके पास से खरीद कर लेकर आए थे उनसे बात करते हैं। अगला दिन निकला है भाई, अगले दिन ये दोनों गए, हिमेश की मम्मी भी गई, इनफैक्ट तीनों गए और जो भी मालिक थे साइकिल के जिनसे खरीदे थे वो ज़्यादा उम्र के ही थे, हिमेश के पापा के उम्र के, उनसे बात की, बोली साइकिल में अभी कुछ प्रॉब्लम है क्या, जब से हम लोगों ने खरीदे हमारे लड़के के साथ ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है, उसको तो एक बच्चा दिखाई भी दिया, क्या मामला है आपकी इस साइकिल का? वो साइकिल का पुराना मालिक क्या बोलता है, मैं कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ घटेगा। ये बोलते हैं कि कैसा कुछ क्या, साइकिल का ओनर बोलता है कि दरअसल ये साइकिल जिसकी थी ना वो मेरा बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई। क्या कैसी बात कर रहे हैं आप, हिमेश के पापा बड़े शौक होकर पूछते हैं। वो आदमी बताता है कि ये साइकिल से मेरा बेटा बहुत प्यार करता था, ऐसे अपने स्कूल जाता था, कोचिंग जाता था, एक शाम वो खेल खाल के साइकिल से घर को लौट रहा था, एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दिया, ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। साइकिल भी थोड़ी सी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी साइकिल में, लेकिन हमने उसके अंतिम संस्कार के बाद साइकिल को बनवा लिए
और अपने पास ही रखे। लेकिन जब कभी भी साइकिल की तरफ हमारी नजर पड़ती थी, ऐसा लगता था कि हमारा बेटा अभी भी साइकिल के आसपास ही खेल रहा है, साइकिल में ही बैठा हुआ है। जैसे कह लो बहुत याद आती थी उसकी साइकिल की वजह से। हमने सोचे साइकिल को बेच देंगे, फिर हमें आप ग्राहक मिल गए, हमने साइकिल को बेच दिए। लेकिन आज जब बता रहे हैं आप, तो समझ में आ रहा है कि हमारा बच्चा तो हमसे दूर कहीं गया ही नहीं था। हम जो समझते थे कि हमारा वहम है कि वो साइकिल के आसपास हमें समझ में आता है, नहीं, वो तो सचमुच में उस साइकिल के आसपास ही था। इनफैक्ट अभी भी है। हिमेश के पापा ने बोले, आपकी साइकिल, आपको मुबारक, पैसे वापस देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, हम आपकी साइकिल नहीं रख सकते। आदमी भी थोड़ा भला था, उसकी क्या गलती आदमी की। उसने बोला, नहीं नहीं आप पैसे रख लीजिए, जो भी है साइकिल ला दीजिए हमारी। बस हिमेश ने सबसे कसम खा लिया कि नहीं भाई, स्कूल जाऊंगा, जैसे भी करूंगा पैदल चले जाऊंगा, नया साइकिल नया स्कूटर मिल रहा होगा तो बात अलग है, ऐसे अब सेकेंड हैंड वाला मामला नहीं पालूंगा। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि हिमेश ने ही हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा, ताकि सभी को ये सीख मिल सके कि आपकी जीवन में कोई भी घटना हो रही है, अचानक से घटना शुरू हो गई, तो उस घटना के ऊपर थोड़ा अपना दिमाग डालिए, थोड़ा ध्यान डालिए कि वो घटना आपसे जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज की वजह से तो नहीं घट रही है जो चीज नई नई आपके घर आई हुई हो। ऐसा होता है बहुत बार, सेकंड हैंड चीज़ें इंसान को बहुत बुरे अंजाम तक लेके चली जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। सही बात है। खैर अब इसे एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।